बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिले दुरूस रमज़ान में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज शक के रोज़े के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। रमज़ान मुबारक के शुरू होने का ख्याल करके अगर चाँद नज़र नहीं आया है और इसकी खबर मौसूल नहीं हुई है मोतबर ज़राए से, ये पता नहीं चल सका है कि रमज़ान शुरू हो चुका है। कोई आदमी ये सोचे कि रमज़ान शुरू हो गया होगा, हमें चाँद नज़र नहीं आया है, तो इस शक के बुनियाद पर वो रोज़ा रखे ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि रमज़ान से एक या दो रोज़ कबल रोज़ा रखा जाए या शक के दिन रोज़ा रखा जाए। अगर कोई शख्स नज़र का रोज़ा रख रहा है या कज़ा रोज़ा रख रहा है या इसी तरीके से वो नफल रोज़े रखता रहा है, उसकी आदत है पीर जुमेरात का रोज़ा रखने की, और रमज़ान से एक दिन पहले वही दिन पड़ गया है और चाँद नज़र नहीं आया है, तो वो शख्स अगर नफल रोज़ा रखना चाहे तो रख सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर रोज़ा रख लेना कि चाँद दिख गया होगा और हमें इसका पता नहीं है, इसकी इजाज़त दीन इस्लाम में नहीं है। हमें वही करना चाहिए जिसका हुक्म हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला है। सूरह मुहम्मद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करो और अपने अमाल ज़ाहिर और बर्बाद न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत की इत्तबा करने की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।